हमारी मॉडल का सैंडल जो है वो टूट गया है ना, और फिर मैं हमें बहुत डांटने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है हमसे। और आपने देखा वीडियो और फोटो शूट करने में कितना ज्यादा मेहनत है। वेलकम टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ये हमारी यूट्यूबर भी बहुत अच्छी है। और आज हम आए हैं यहाँ पर एक मकसद से, वो ये है कि मैंने जो लहंगा डिजाइन किया है उसके लिए इसने एक मॉडल हायर किया है। यस, तो हम उसका वीडियो शूट और फोटो शूट करने आए हैं इस लोकेशन पे। ये लोकेशन बहुत ज्यादा प्यारा है, वो देखिए आगे वो मॉडल है और साथ में उसकी खुशी है। तो अभी हम अप्पी के मोबाइल से, क्योंकि अप्पी का आईफोन है, मेरा तो है नहीं, तो इसलिए उनके मोबाइल से हम वीडियो और फोटो शूट करेंगे, जिसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी और उसका रील्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, फोटोज भी शेयर करूंगी, वो सब इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी रील्स वगैरह। तो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां जाए और मुझे फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम आगे जाएंगे, वहाँ पर ज्यादा अच्छा लोकेशन है, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पे फोटोज वगैरह लेंगे। और हमारी मॉडल का सैंडल जो है वो टूट गया है, यहाँ ये मैं का सैंडल लेकर जा रही हूँ क्योंकि वो टूट गया है उसको। ये हो गया हमारे साथ पंगा, वो तो अभी बिना सैंडल के ही चल रही है। मैंने उसे कहा है कि तुम सैंडल अभी यहाँ रख लो, क्योंकि जब हम उसकी फोटोज क्लिक करेंगे और वीडियोज क्लिक करेंगे तो उसे किसी तरह ये पहना देंगे। पता तो नहीं चलेगा फोटोज और वीडियोस में, बट मेरे ब्लॉग में ये पता चलेगा। मतलब मैंने बता दिया अपने ब्लॉग में, आपके साथ ये शेयर किया कि उसका जो सैंडल था वो टूट चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रगल होता है, और जब किसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल ना हो ना तो फिर उस चीज़ का मजा ही नहीं है। लेक्चर, ओहो, लेक्चर ही, तो इंजॉय। यस, आपको मैं अपनी मॉडल से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरी मॉडल, से हाय। हाय, और आपको इसकी वीडियोस भी मिलेगी देखने को बहुत जल्द। यहाँ पर फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। कैमरामैन हुमा अयाज, लाइफ ऑफ हुमा, और ये हमारी मॉडल जिसका नाम है सृष्टि, ये पोज देते हुए, और यहाँ पर खुशी BTS बनाते हुए सृष्टि का। यहाँ पर फोटोज चेक करते हुए अप्पी, ये वाला अच्छा आया है। आपने देखा वीडियो और फोटो शूट करने में कितना ज्यादा मेहनत है। हाँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ये डेडिकेशन है। फोटोज और वीडियोस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हम पानी लेकर हम आए हैं क्योंकि हमें पता था कि हम ये करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप हमारी मॉडल को, और ये हमारी कैमरामैन, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। हाँ, हमने पानी इन लोगों के लिए लाया है, अपने लिए भी लाया है, तो हमें पता था कि वीडियोज और फोटोज करेंगे तो टाइम लगेगा और फिर इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी से ज्यादा एनर्जी और कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मतलब तुम टाइट की खींच रही है, लूज खींचो, तुम्हारे हाथ नहीं आना चाहिए। मेरा नाम क्या है इसका? हल्का लूज करो, ठीक है। हाँ, तुम दुपट्टे की साइड देखो हल्का। हाँ, तुम इस साइड देखो, इस साइड। हाँ हाँ, ठीक है, लूज करो, टाइट है बहुत, नहीं हो रहा है। हवा चल रही है। हाँ ठीक है, स्माइल करना, रुको अभी नहीं, करो करो करो। 1 2 3
भी थक चुकी हैं, वो पानी पी रही हैं। अभी हमने एक लोकेशन पे शूट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। घर नहीं थे हम लोग उस दिन, कहाँ थे? उस साइड चलो देखते हैं कैसी वीडियोस आती है। हमारी कैमरामैन गिर गई थी, वो आपने देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगा कुछ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब गिर ही गई है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं वैसे भी नहीं पड़ा, वैसे गिरने वालों को बहुत फर्क पड़ता है, मुझे ना फर्क पड़ता, बेशरम हो चुकी हूँ गिर गिर के। ओ कितना गिरी हो? बहुत ज्यादा गिरी हूँ, तभी उठी हूँ। पर अभी हम बैठकर इसका शॉट ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने आते हैं, ये देखिए एक कैमरामैन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये सब भी वीडियोस बनाने आए हैं, आप देख सकते हैं। हमने खुशी का जो स्लीपर था, हमने अपनी मॉडल को पहनाया क्योंकि उनका सैंडल जो है वो टूट गया, तो खुशी अभी बहुत स्ट्रगल के साथ वहाँ से यहाँ तक आई है। खुशी ने चप्पल नहीं पहना है तो उसको मैं गोद में उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बैठो, आओ तो, आओ ना, कोई बात नहीं, नहीं गिरेंगे, आओ ना। तो अभी हम इस लोकेशन पर आए हैं, ये देखिए ये लोकेशन भी बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा आ रहा है। चारों तरफ पेड़ है और यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो अभी हम इस लोकेशन पर आए हैं। खुशी को कैमरामैन के पीछे रखा गया है क्योंकि बार बार वो कैमरे में आ रही है, उसकी वजह से उसे कहा गया कि जहाँ भी कैमरामैन हो उनके पीछे तुम रहो। खुशी का मूड ऑफ हो चुका है और यहाँ पर हम इस पेड़ के पास छुप गए हैं क्योंकि कैमरामैन वहाँ पर हैं और अगर हम उनके कैमरे में कैप्चर हो गए तो कैमरामैन हमें बहुत डांटने वाली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं हमसे। कैमरामैन जो है वो चेंज हो गया है, अभी थोड़ा शूट मैं करूंगी क्योंकि आप भी थोड़ी थक गई हैं तो उन्हें थोड़े रेस्ट करने देते हैं। फोटोग्राफर अब बनी है हीना की दुनिया। ठीक है चलो यहाँ पे लास्ट वीडियो शूट हो रहा है, ये लास्ट वीडियो है। वाओ क्या फ्लेयर है, क्या फ्लेयर है लहंगे में। और इसी के साथ हमारा जो शूट है वो यहीं पर होता है खत्म, अब हम जा रहे हैं घर। तो पैकअप हो गया है और जो भी थोड़ा बहुत जो मैंने क्लिप शूट किया है व्लॉग के लिए बिहाइंड द सीन वो सब कुछ शूट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। ये आती है हमारी मॉडल और खुशी। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लहंगा चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मुझे DM कीजिए, कमेंट में बताइए और DM पर मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह का लहंगा चाहिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ड्रेस बना कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लहंगा जो मैंने स्टिच किया वो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।